दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया है और मुझसे पूछा है कि जो नया चैनल बनाते हैं उसमें 10,000 का जो एक लिमिट होता है मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए, वो लिमिट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद में भी उनका मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं हुआ है। गाइस, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है, वीडियो सही से दिखाई दे रही है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ यार, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे मैं अभी हूँ वहाँ पे एक स्पोर्ट्स फंक्शन जो है वो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ सही से आ रहा होगा। और बहुत सारे ऐसे न्यू यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब कुछ टाइम पहले ये फीचर को लॉन्च किया था कि जब तक आपके 10,000 व्यूज़ कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आपका मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं होगा। बट अगर आपने अभी भी 10,000 व्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है और एक हफ्ते हो गए हैं, दो हफ्ते हो गए हैं या फिर एक महीने हो गए हैं और आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है गाइस, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है गाइस कि यूट्यूब पे रोज़ लाखों चैनल्स जो हैं वो बन रहे हैं और यूट्यूब के जो इम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही कम है। आसपास होंगे 500 या 600 के आसपास कुछ इम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे यूट्यूब के, और इसी वजह से वो सभी आपके चैनल को अच्छे से रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं। और रिव्यू ये जो एक प्रोसेस है ना, इसमें पहले जो टाइम लगता था वो सिर्फ एक हफ्ते का टाइम था, यानी कि मैं भी जब अपने चैनल को बनाया था तो उस टाइम मेरे भी 10,000 व्यूज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे, और 10,000 व्यूज़ कंप्लीट करने के बाद में सिर्फ 3 या 4 दिन लगा था, यानी कि मैक्सिमम टाइम एक हफ्ते का दिया गया था, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में मेरा पूरा का पूरा रिव्यू प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया था और मेरा भी मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो गया था। बट फिलहाल जो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जिसमें कि 1 महीने 2 महीने इतना तक आपको वेट करना पड़ जा रहा है, तो कोई बात नहीं है गाइस, आप अपने काम को कैरी ऑन रखिए। जरूरी नहीं है 10,000 व्यूज़ के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यानी कि आपके वीडियोस को अच्छे से रिव्यू किया जा रहा है यहाँ पे, तो चैनल को आप एकदम मतलब एक बेस्ट पोजीशन पे रखिए और रिव्यू में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसका, आप वेट कर लीजिए, अच्छे कंटेंट डालिए और साथ ही साथ अपने मेहनत को जारी रखिए। यहाँ पे आकर के आपको स्टॉप नहीं होना है, क्योंकि एक ना एक दिन आपका मोनेटाइजेशन तो 100% इनेबल होना ही होना है और उसके बाद में फिर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलना चालू हो जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे कुछ बातों का और ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों के लिए आपका मोनेटाइजेशन मतलब जो रिव्यू प्रोसेस है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। वो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा कंटेंट है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह से लगा हो, तो अगर आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक है तो उसको आप जरूर से जरूर गाइस मतलब वेट कीजिए वो स्ट्राइक के हटने का, क्योंकि जब तक वो स्ट्राइक नहीं हटेगा तब तक आपका चैनल जो है वो रिव्यू नहीं होगा। जब आप चैनल रिव्यू करवा रहे हैं तो आपका जो चैनल है वो एक गुड स्टैंडिंग पोजीशन पे हो, आप अपने मोनेटाइजेशन के साथ में उसको लिंक कर लिए हों, आप अपने चैनल को एडसेंस के साथ में लिंक कर लिए हों, उसके बाद में ही आपका मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है गाइस यहाँ पे आपका डाउट जो था एक छोटा सा डाउट था जिसके बारे में मैंने बात किया, पता लगाया, रिसर्च किया, उसके बाद में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको अपने एडसेंस के साथ में जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, मैं अपने मोनेटाइजेशन वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वाला वीडियो है यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, इस वाले वीडियो में सभी कुछ बता दिया है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, आपको कैसे क्या सभी कुछ करना है। उसके बाद में जो रिव्यू का प्रोसेस आता है नीचे में, उस प्रोसेस पे जाकर के आपको बस वेट करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जैसे ही आपका रिव्यू कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल आने के बाद में आपका पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन जो है वो चालू हो जाएगा और वीडियोस पे एड्स आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अपने काम को करते रहिए, अच्छे से कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे थोड़ा नॉइज होने की वजह से कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा था, तो अगर कुछ चीज़ मैंने छोड़ा है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।